जय हिंद दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है भारत में पुर्तगालियों का आगमन। दोस्तों इसके पीछे का बैकग्राउंड पिछली वीडियो में है, आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आज की बात समझने में आसानी हो। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक पुर्तगालियों का भारत में आगमन। किन किन मुद्दों की चर्चा करेंगे हम पुर्तगालियों के साथ इसमें? सबसे पहला कारण, पुर्तगाली क्यों भारत आए। दूसरा, कौन कौन से मुख्य गवर्नर थे। तीसरा, भारत में जो उनका संघर्ष हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। चौथा, मुंबई का मुद्दा क्या था। ठीक, मुंबई के मुद्दे पे बात करेंगे हम। उसके बाद योगदान, पुर्तगालियों का भारत के लिए क्या योगदान था। इसके बाद पुर्तगालियों का पतन, ठीक, यानी असफलता के कारण। इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पुर्तगालियों के भारत आने का कारण क्या था। तो पहला कारण दोस्तों व्यापार तो था ही। पहला पुर्तगालियों के आने का कारण व्यापार था। दूसरा, एक प्रमुख जो छिपा हुआ कारण था, भारत ने ईसाई धर्म का प्रचार या पूर्वी देशों में ईसाई धर्म का प्रचार, ये ध्यान रखिएगा, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार। ठीक, कारण क्या बना आपको कारण अगर पिछली वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ऑटोमन तुर्कों ने जब पूर्वी रोमन साम्राज्य का अधिकार कर लिया और वहां इस्लाम धर्म का प्रचार होने लगा तो पुर्तगाली भी सोचे कि मैं हम लोग भी पूर्वी देशों में पहुंच के ईसाई धर्म का प्रचार करें, लेकिन ये छिपा हुआ उद्देश्य था। ठीक, चलिए कारण की बात हो गई। अब दूसरी बात, पुर्तगाली भारत आए तो कैसे आए। तो भारत में पहला पुर्तगाली जो आया जल मार्ग से, उसका नाम था वास्को डी गामा। आपको मैप में दिखाता हूं मैं, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 में, वास्को डी गामा 1498 में, ये देखिए है पुर्तगाल, यहाँ से चलते हैं और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम तट से होते हुए पहुंचते हैं केप ऑफ गुड होप। ये जगह है केप ऑफ गुड होप, यहाँ तक तो ये आ गए। यहाँ के आगे का रास्ता इनको नहीं पता था, तो यहाँ पे गुजराती व्यापारी मिलता है इनको, अब्दुल मालिक, और वो उनका पथ प्रदर्शन करते हैं और इस रास्ते होते हुए वो पहुंचते हैं केरल के कालीकट। तो ये रास्ता हो गया, अब्दुल मालिक पथ प्रदर्शक थे। तो पहला पुर्तगाली जो अभियान था वास्को डी गामा द्वारा था, 1498 में भारत पहुंचे। ठीक, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला पुर्तगाली कौन आया, तो वास्को डी गामा। दूसरी बात, कब आए, तो 1498। कहाँ आए, केरल के कालीकट में। अब यहाँ, हाँ एक चीज और, पथ प्रदर्शक कौन था अगर पूछ लिया जाए तो अब्दुल मालिक। भाई देखिए, थे नहीं थे हमें नहीं पता, एग्जाम में आ जाए तो टिक लगा दीजिएगा अब्दुल मालिक, ठीक 100% सही होगा। अब अगली बात, अब जेमुरीन जो केरल के कालीकट के शासक थे, जिनकी पैतृक उपाधि जेमुरीन थी, उन्होंने वास्को डी गामा का खूब स्वागत किया, भरपूर स्वागत किया। अब भरपूर स्वागत क्यों किया, कारण ये था, इन जेमुरीन का अरबी व्यापारियों से बन नहीं रहा था, तो नया व्यापारी आया तो स्वागत करना तो बनता है। ठीक, तो खूब जी भर के स्वागत किया। अब राजा अगर नए व्यापारी का स्वागत कर रहा है तो जो पुराने व्यापारी बैठे हैं क्या उनका स्वागत करेंगे? नहीं। अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा के साथ वैमनस्य प्रदर्शित किया, वैमनस्य प्रदर्शित किया, उनका स्वागत नहीं किया, ध्यान रखिएगा, वैमनस्य प्रदर्शित किया। क्यों किया भाई? इसलिए किया कि भाई एक रोटी है, एक आदमी खा रहा, उसको बांटने वाला एक और आ गया, तो स्वागत करेगा वो? नहीं करेगा। जब वास्को डी गामा यहाँ से वापस जाते हैं तो मसाले और जड़ी बूटी लेके जाते हैं और पूरे यात्रा खर्च का 60 गुना उनको लाभ प्राप्त होता है, पूरे यात्रा खर्च का, सबकी आंखें ही चौंधिया जाती हैं, इतना बड़ा फायदा। आप अगर मैप में देखो तो कितना लंबा रास्ता है, इस रास्ते से ये एक बार आते हैं, ठीक, और आके दोबारा इसी रास्ते से वापस जाते हैं। अब आप सोचिए, पूरे यात्रा खर्च का 60 गुना फायदा उनको होता है। इसके बाद 1500 में पुर्तगालियों का द्वितीय अभियान होता है और इस अभियान के नेता थे पेट्रो अल्वारेस केब्रल। पेट्रो अल्वारेस केब्रल, ध्यान रखिएगा, द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेता थे और इन्होंने एक अरबी जहाज पकड़कर जेमुरीन को दे दिया। एक सिंपल सी बात है, पिछली अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं आपको कि बन नहीं रही थी जेमुरीन और अरब व्यापारियों में,
वास्को डिगामा से पेट्रो केवल को इस बात का पता चला, उन्होंने क्या किया, अरबी जहाज को ही पकड़ के उपहार में दे दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1502 में वास्को डिगामा दोबारा भारत आ जाते हैं। ठीक, 1502 में दोबारा आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पीछे क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए, प्रथम अभियान के नेता कौन थे, कब आए, कहाँ आए, पथ प्रदर्शक कौन था। ठीक, ये सारी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके बाद 1503 में कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित की गई। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ कब स्थापित की गई, 1503 में, कहाँ स्थापित की गई, कोचीन में। अब बात आती है फैक्ट्री की, यहाँ ध्यान रखिएगा, फैक्ट्री आज के जमाने वाली फैक्ट्री वो नहीं थी। आज के जमाने में जो फैक्ट्रियां होती हैं, जो जहाँ प्रोडक्शन होता है, ऐसी फैक्ट्री वो नहीं थी। ये यूं समझिए व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक केंद्रों को ही कह दिया गया फैक्ट्री। बेसिकली यहाँ पे सामान इकट्ठा करके रखा जाता था, यानी वेयर हाउस था, कुछ कर्मचारी रहते थे, उन्हीं को बोल दिया गया फैक्ट्री। ठीक, कारण के बारे में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, क्यों आए थे, व्यापार और धर्म प्रचार था। अब यहाँ के मुख्य गवर्नर की बात देखते हैं कि कौन कौन से पुर्तगालियों के मुख्य गवर्नर रहे और उन्होंने क्या किया। तो भारत में पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इनका शासन काल था 1500 से 1509। देखिए, ये सन रखने की जरूरत नहीं है, एकदम सन मत रखिएगा, परेशान मत होइएगा। आप लोग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप सन भी बहुत, डेट भी बहुत ध्यान देते हो, रटना नहीं है। ठीक, बस ये ध्यान रखिएगा, फ्रांसिसियो के पहले पुर्तगाली गवर्नर भारत में थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक, अब इन्हें स्पष्ट आदेश मिला था पुर्तगाल से कि वो हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करेंगे। स्पष्ट आदेश मिला था और इसलिए उन्होंने एक नीति अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। एग्जाम में पूछा जा सकता है ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी नीति थी, तो आप ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की नीति थी। इस नीति के अंतर्गत था क्या कि हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना। एक हिंद महासागर के व्यापार पर, यानी हिंद महासागर से होके जो भी जाए आए बिना पुर्तगालियों की इच्छा से ना आ जा पाए। ठीक, ये इनकी नीति थी, उस नीति का नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति। ठीक, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक युद्ध लड़ा, चौल का युद्ध, उसके बाद ब्यू का युद्ध। ध्यान रखिएगा, जब वास्को डी गामा और केबरल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको बताया था अरब व्यापारियों से बन नहीं रही थी। ठीक, हुआ ये भी यही कि जब बन नहीं रही है, व्यापार पर मजबूती से पकड़ बनाना है, तो लड़ाई तो होगी। और लड़ाई क्या हुई, एक मिले गुजरात, दूसरा मिस्र और तीसरा तुर्की। ये तीनों लोग आपस में मिल गए, गुजरात, मिस्र और तुर्की, ये इनकी संयुक्त सेना की भिड़त हो गई अल्मीडा की सेना से चौल के युद्ध में 1508 में, जहां अल्मीडा परास्त हो गए। लेकिन अल्मीडा हार मानने वालों में से नहीं था। दोबारा 1509 में दीव का युद्ध हुआ, 1509 में दीव का युद्ध हुआ, और यहां भी गुजरात, मिस्र और तुर्की की सेनाएं अल्मीडा के विरोध में लड़ी, लेकिन इस बार अल्मीडा विजयी रहा और हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ गया। ध्यान रखिएगा, दीव का युद्ध इम्पोर्टेंट है, 1509 में गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त सेनाओं को अल्मीडा ने परास्त कर दिया और हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ा। तो ये बात एकदम ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले गवर्नर थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक, इनका टाइम पीरियड था 1509 से 1515। अब ये भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक, अब देखिए, इन्होंने अपना मुख्यालय कोचीन में बनाया, ध्यान रखिएगा, तो मुख्यालय इनका बन गया कोचीन।
और इन्होंने 1510 में गोवा, 1511 में मलक्का और 1515 में हरमुज जीत लिया। अब इनके पीछे जीतने के पीछे कारण क्या बना और इससे इनको फायदा क्या हुआ, अभी आगे बताता हूँ। लेकिन यहाँ ये जानते रहिए कि गोवा को इन्होंने जीता था बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से। ध्यान रखिएगा 1510 में जो गोवा जीता था इन्होंने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से इन्होंने गोवा जीत लिया। अब ध्यान रखना है कि हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने की नीति चल रही थी शुरुआत से ही पुर्तगालियों की। अब उस नीति में अल्फांसो डी अल्बुकर्क काफी सफल रहते हैं और सफल इसलिए रहते हैं कि उनकी नीति थी कार्टेज अर्मेडा काफिला व्यवस्था या कार्टेज अर्मेडा काफिला सिस्टम। कार्टेज का मतलब होता है परमिट। कार्टेज का मतलब परमिट यानी पास। अर्मेडा मतलब सुसज्जित सैनिक से युक्त जहाज, यानी आम भाषा में कह सकते हैं हम युद्धपोत। काफिला सिस्टम मतलब व्यवस्था, यानी परमिट लेने की व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी जहाज बिना पुर्तगालियों की इजाजत से, बिना पुर्तगालियों के परमिट से वो हिंद महासागर में नहीं उतर सकती थी, व्यापार नहीं कर सकती थी। अगर उसे व्यापार करना है तो पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ेगा और उस जहाज को जो व्यापार करना चाहती थी उसे पुर्तगाली सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। ठीक, अब इस मैप को देखिए, अभी मैं पीछे बताया हूँ आपको कि अल्बुकर्क गोवा मलक्का और हरमुज ये जीते। ये देखिए कहाँ स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है, जरा सा देखिएगा। देखिए मैप में थोड़ा सा देखिए, अब ये रहा आपका गोवा, ये एरिया रहा गोवा, यहाँ पे आपका है हरमुज, ये एरिया हरमुज और ये एरिया मलक्का जलसंधि। तो ये तीन जगह पे अधिकार कर लेते हैं। अब यहां से कोई जहाज जाएगा, इस रास्ते से कोई जहाज आगे जाना होगा इधर को, तो पुर्तगाली बैठे हैं। इधर से आगे बढ़ना हो, इधर आना हो तो पुर्तगाली बैठे, यहां से बढ़ना हो तो पुर्तगाली बैठे हैं। तो यहां तीन स्ट्रेटेजिकल पॉइंट पर अधिकार करने की वजह से पुर्तगालियों के पास इतनी पावर आ गई कि कोई भी जहाज इस जगह से कहीं जाना चाहे पुर्तगाली के बिना परमिट लिए वो आगे नहीं बढ़ सकता था। ठीक, और इस प्रकार पुर्तगालियों का हिंद महासागर पे दबदबा स्थापित हो गया और इतना बड़ा दबदबा कि अकबर तक को अपनी जहाज के लिए परमिट लेना पड़ा था पुर्तगालियों से। अकबर तक को, सोचिए कितनी बड़ी बात थी। अब अल्बुकर्क और क्या करते हैं, तो देखिए अल्बुकर्क की एक बहुत बड़ी बात क्या थी कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करने को प्रेरित किया। ठीक, उन्होंने क्या किया, जो पुर्तगाल के लोग थे भारत में उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, उन्होंने क्या किया, कहा कि भाई आप भारत में भारतीय स्त्रियों से विवाह करो। ठीक, तो ये काम उन्होंने किया। दूसरा, सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, अपने एरिया में तो बंदी करवा दिया, कहां तक सफल रही अलग बात है लेकिन अपने एरिया में बंद करा दिया। इनकी एक बड़ी समस्या थी कि ये मुसलमानों को बहुत तंग करते थे, इनकी बहुत बड़ी समस्या थी, मुसलमानों को अपना दुश्मन मानते थे, मुसलमानों को बहुत ही तंग करते थे। और एक और बड़ी चीज इन्होंने किया, अपनी सेना में भारतीयों को भी भर्ती किया। ठीक, तो अल्बुकर्क अपनी सेना में भारतीयों को भी भर्ती किया, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगले इम्पोर्टेंट गवर्नर हैं नीनो डी कुन्हा। इनका टेन्योर था 1529 से 1538, 1529 से 1538, और सन याद मत कीजिएगा, डेट एकदम मत याद कीजिएगा। इनका मुख्य काम क्या था वो ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर लिया। इन्होंने मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर लिया, कोचीन से गोवा। एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने गोवा को मुख्यालय बनाया। ठीक,
ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा वो नीनो डी कुन्हाई थे। इसके अलावा इन्होंने सेंट थोमस, हुगली, बसीन, ड्यू में बस्तियों की स्थापना की, इनका यहीं तक काम था। इसके बाद आगे कुछ छोटी छोटी चीजें होती चलती हैं, वो बताता हूं मैं आपको। 1542 में एक पुर्तगाली गवर्नर भारत आते हैं जिनका नाम है अल्फांसो डिसूजा, और इनके साथ एक ईसाई जेसुइट संत फ्रांसिस जेवियर भारत आते हैं। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जेसुइट संत फ्रांसिस जेवियर किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ भारत आए थे, तो वो गवर्नर थे अल्फांसो डिसूजा। कब आए थे? 1542। ठीक, यहाँ तक तो पुर्तगाल अपना काम करता रहा 1498 से लेके, लेकिन 1611 में एक युद्ध हुआ स्वाली का युद्ध, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त कर दिया। और भारत में पुर्तगालियों का सूर्य अस्त हो गया। अब इतने लंबे समय तक, लगभग पूरी एक शताब्दी अच्छे से व्यापार करने के बाद ऐसे क्या कारण रहे कि पुर्तगाली भारत से समाप्त हो गए, ठीक, और उनकी जगह कोई और आ गया। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा चाहे सत्ता हो चाहे समृद्धि हो, शक्तिशाली के हाथ में ही रहती है। जब तक पुर्तगाली शक्तिशाली थी तब तक समृद्धि और सत्ता उनके हाथ में थी। जैसे ही दो कोई और शक्तिशाली होगा वैसे ही शक्ति और समृद्धि उनके पास चली जाएगी, और ये भी पुर्तगालियों के लिए एकदम सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनके पतन के क्रम में कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में आ भी सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो शाहजहां के समय 1632 ईस्वी में कासिम खान ने पुर्तगालियों की बस्ती हुगली पर अधिकार कर लिया। 1632 में कासिम खान ने पुर्तगालियों की बस्ती हुगली पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा मराठों ने 1739 में सस्टी और बसाई पे अधिकार कर लिया। और आगे और बढ़े, औरंगजेब का नंबर आया तो औरंगजेब ने क्या किया, चट्टगांव पर अधिकार कर लिया। अब आप सोचिए, पुर्तगालियों की बस्तियों में 1611 के बाद एक करके अधिकार होते चले गए, उनकी हालत जो थोड़ी मोड़ी बची थी स्वाली के युद्ध से वक्त के बाद से वो भी खत्म होने लगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली भारत से फाइनली कब जाते हैं, 1961 में पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव, इन तीन जगहों पर भारत में 1961 तक रहते हैं। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पुर्तगाली भारत से कब जाते हैं, 1961 में, और पुर्तगाल गोवा दमन दीव पर किसका अधिकार था, तो पुर्तगालियों का। ठीक, अब बात आ जाती है मुंबई की। दोस्तों, केवल भारत में ही दहेज नहीं चलता, पूरे विश्व में दहेज चलता, बदनाम बस केवल भारत है। ठीक, पूरे विश्व में दहेज चलता है, और यहाँ भी दहेज का एक उदाहरण आपको दिखाता हूं मैं। देखिए, 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स जीती का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो जाता है। ठीक, अब कैथरीन से विवाह होने के पश्चात पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज में दे दिया चार्ल्स जीती को। दहेज में, बताइए भारत की जगह कौन किसको दहेज में दे दे रहा है। चलिए, दे दिया गया। अब ये इस मुंबई को 1668 में चार्ल्स जीती ने 10 पौंड वार्षिक किराए पर मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक, ये था मुंबई का मुद्दा। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स जीती का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होता है, फलस्वरूप मुंबई को दहेज के रूप में पा जाते हैं चार्ल्स जीती, और चार्ल्स जीती 10,00,000 पौंड किराए पर 1668 में मुंबई को दे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। बात समझ में आ गई, ये था मुंबई का मुद्दा।
अब पुर्तगालियों का योगदान क्या रहा भारत में, तो ध्यान रखिएगा पुर्तगालियों के योगदान की बात करें तो तंबाकू, पता नहीं उसके पहले भारत में तंबाकू लोग खाते थे कि नहीं खाते थे मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो माना जाता है तंबाकू भारत में पुर्तगाली लाए। आलू, आलू वही जो आप व्रत में खाते थे खाते हैं ठीक, और आप सोचिए आलू जब नहीं था तो क्या लोग भारत में व्रत नहीं रहते थे, पता नहीं क्या खाते थे, खाते रहेंगे जरूर। उसके बाद मक्का, लाल मिर्च, तो तंबाकू आलू मक्का और लाल मिर्च को भारत में लाने का योगदान है पुर्तगालियों का। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रिंटिंग प्रेस, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाए पुर्तगाली ही, ध्यान रखिएगा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार तो जर्मनी में हुआ था लेकिन लाए भारत में पुर्तगाली। इसके अलावा जहाज निर्माण में ही इन्होंने बड़ा योगदान दिया, बड़े बड़े जहाज बनने लगे। इसके अलावा भारत को यांत्रिक घड़ी भी लेके आए, साथ में स्थापत्य में गोथिक कला को लेके आए, इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे ठीक, गोथिक कला को लेके आए। अब असफलता के इनके कारण क्या थे, ध्यान रखिएगा सबसे पहली चीज तो भारत में यूरोपीय कंपनियों से पुर्तगालियों की प्रतिस्पर्धा, अभी मैं बताया हूं हमेशा शक्तिशाली के पास समृद्धि और सत्ता रहती है ठीक, तो जब यूरोपीय और कंपनियां भारत में आ गई तो उनसे प्रतिस्पर्धा होने लगी और जो मजबूत पड़ा वो यहाँ पे रहा, पहली चीज ठीक। दूसरा धार्मिक असहिष्णुता, पुर्तगाली बताया हूं कि मुसलमानों के प्रति पुर्तगालियों में बहुत ही द्वेष था, तो ये एक कारण ये भी रहा। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इन्हें एक नया उपनिवेश प्राप्त हो गया ब्राजील, और ब्राजील जब उपनिवेश प्राप्त हो गया इनको तो इनका दिमाग भारत की बजाय ज्यादा लगने लगा ब्राजील में, सिंपल सी बात है नई चीज मिलेगी तो लोगों को ज्यादा मन लगता है, तो वहाँ के लिए ज्यादा सोचने लगे। और यहाँ पे जैसे थोड़े कमजोर पड़े तो स्वाली का युद्ध हो गया और यो इनका पतन यहाँ पे हो गया। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, पढ़ाई करते रहिए, और ध्यान रखिए अपने दोस्तों को बताइए। इस चैनल का नाम है जिसपे मैं पढ़ा रहा हूँ जेरस, और जेरस का अर्थ होता है दोस्तों द साइन, द साइन ठीक। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।